रांची के टाटी सिल्वे थाने में पदस्थापित एक दारोगा ने पहले तो अपनी भाभी से अवैध संबंध बनाए और फिर शादी के लिए 20 लाख रुपए दहेज की मांग की, लेकिन जब भाभी ने 20 लाख रुपए नहीं दिए तो अब वो दारोगा दूसरी शादी कर रहा है। देखिए समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किए हैं। मेरे पति के मृत्यु के पश्चात मेरे ससुराल वाले मेरे देवर से शादी की बात कहे थे। इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरे देवर ने मुझ पर शोषण किया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मेरे देवर और मेरे ससुराल वाले दहेज की मांग की है। मेरे घर वाले देने में असमर्थ थे और उस बात से वो लड़का मेरा फ़ायदा उठाने के बावजूद फिर वो दूसरा लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है। मुझ पर न्याय करे, मुझ पर इंसाफ करे। लड़की हूँ, मुझ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझ पर न्याय करे। उसके द्वारा शादी का विरोध करने पर मैंने केस भी किया है और आज वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर रहा है और मैंने इस कारण मैंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेरी न्याय करे, मुझ पर उचित विचार करे। यदि मुझ पर न्याय नहीं हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप सभी का नम्र निवेदन है, कृपया मुझ पर थोड़ी मदद कर दे। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।